अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं आम और मिर्च के अचार की रेसिपी। ये बहुत झटपट बनने वाला अचार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर जो हम आम काटते हैं इस तरह से अचार के लिए, वो हमने आम काट लिए हैं। उसमें से जो ये गुठली निकलती है, इस तरह से ये गुठली निकलती है और उस पर चारों तरफ आम लगा रह जाता है। तो हम इसको इस तरह से काट लेंगे बारीक बारीक। इसके ऊपर जो आम लगा रह जाता है उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आम काट लेंगे ऊपर से और ये इस तरह से टुकड़े बन जाएंगे। तो बस इस तरह से सब जो गुठलियाँ हैं उनके ऊपर से ये आम काट लेना है। ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत झटपट अचार बनकर ये तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से ये काट लें अच्छे से और इनको बस धूप में नहीं सुखाना है। इस तरह से जब ये कट जाए तो इनको अभी रख देना है। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाला लिया है, जैसे कि लिए हमने धनिया यहाँ पर हमने 8 से 10 चम्मच लिया है। 2 चम्मच हमने कलौंजी ली, 1 चम्मच कलौंजी ली है, 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच हमने लिया है जीरा, 8 से 10 सौंफ के चम्मच लिए हैं और यहाँ पर हमने हल्दी, नमक, मिर्च लिए हैं। मिर्च तो इसमें कम ही डलेगी, 1/2 चम्मच ली है। हल्दी के हमने 3 से 4 चम्मच लिए हैं और आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा इसमें तेज ही डलता है। तो यहाँ पर हमने नमक भी 6 से 7 चम्मच ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये जीरा और धनिया, मेथी दाना लिया है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और इसको हम ग्राइंड भी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बस थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, जो उसमें नमी है उसको दूर करने के लिए। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जो हमने आम काट के रखा है, इस तरह से चम्मच से ले लें, सूखे चम्मच से। यहाँ पर बिल्कुल सूखा इस्तेमाल करना है, जिस पे आप फैलाएंगे वो भी सूखा हो, चम्मच भी, बर्तन भी, सब चीज़ें सूखी हो, बिल्कुल भी गीली नहीं हो। इस तरह से आप दस्तरखान ले लें, कुछ भी ले लें, कपड़ा ले लें, उस पर इस तरह से आप रात को बिछा कर रख दें। तो यहाँ पर हमने टेबल पे ये दस्तरखान बिछाकर इसमें सब ये आम के टुकड़े डाल दिए थे जिससे कि पूरी रात पंखे में सूख जाएं। अगर आप चाहें तो हल्की फुल्की इसको धूप भी लगा सकते हैं, वैसे बिना धूप के भी ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये सुबह हो चुकी है और यहाँ ये सब अच्छे से, थोड़ा इसमें से जो मॉइस्चर था वो सब निकल चुका है। इसमें आम में से पानी नहीं निकलता है। बस इसको अब हम इकट्ठा कर लेंगे और बर्तन में हमने ये कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी हल्की धूप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने ये तेल भी गरम कर लिया था, मस्टर्ड ऑयल में ये बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ली हैं ये 250 ग्राम मिर्च, लगभग 1 किलो से ज़्यादा आम होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इन मिर्चों को काट लेना है इस तरह से। अगर ज़्यादा तीखी मिर्च हैं तो आप कम डाल लें, अगर मोटी वाली मिर्च मिल जाए तो वो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर पहले इस मिर्च के 2 टुकड़े करेंगे, फिर उनके 4 कर देंगे। तो इस तरह से ये कर लेना है। यहाँ पर हमने लिया है जो ये पिसा हुआ मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी और इसमें ही हमने डाल दी थी कलौंजी। कलौंजी पीसनी नहीं है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। यहाँ पर हमने धनिया जो लिया था और सौंफ और मेथी दाना, उसको ग्राइंड कर लिया है और जीरे को, इन सबको अच्छे से पहले मिला देंगे। तो यहाँ पर ये तैयार है अचार का मसाला। बहुत ही टेस्टी ये अचार का मसाला बनकर तैयार होता है। इसमें हमने हींग भी डाली है जो हम आपको दिखाना भूल गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले इसमें तेल डाल देंगे, मिर्च में भी और आम में भी, और फिर इसको चला देंगे। इससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगा और सब में अच्छे से तेल लग जाएगा। बस इनको अच्छे से इस तरह से चला देना है।
ये इतना अच्छा टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। उसको दाल चावल के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। आप रूखी सूखी सब्जी के साथ भी इसको लेंगे तो सब्जी का टेस्ट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। बस इस तरह से हमने ये आम में मिर्च मिला देनी है। पहले मसाला एक तरफ मिला रखा है, वो भी हम इसमें अब मिल डाल देंगे। ये जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसमें डाल दें और अच्छे से इसको पहले मिक्स कर दें जिससे कि मसाला नीचे तक चला जाए। जो अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा विनेगर डाला है, वाइट विनेगर, इससे ये ख़राब नहीं होता है। ये 1 साल आप आराम से रख कर खा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये टेस्टी इतना बनता है। और यहाँ पर अब हमने एंड में डाला है इसमें मस्टर्ड ऑयल जो हमने गरम करके रखा था। अब ऐसे एक साफ डब्बा ले लीजिए जो गीला नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, सूखा डब्बा ले लीजिए आप और उसमें ये डालकर रख दीजिए। 1 या 2 दिन इसको हल्की हल्की सी धूप लगा दें, बस ये अचार इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसको जब चाहें किसी भी दाल सब्जी या किसी भी चीज़ के साथ इसको आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस डब्बे में ये सब अचार कर दिया है और ये जो हमने ऑयल डाला था लगभग यहाँ पर 2 से 3 कप डाला है जिससे कि ये अब ये जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे ये नीचे होता जाएगा और तेल ऊपर आता चला जाएगा। बस इतना हल्का है ये अचार बनाना और टेस्ट में बहुत अव्वल है। अल्लाह हाफिज़।